सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का नियॉन ग्लोइंग वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वाला जो फोटो एडिटिंग है, ये मैंने ओनली पिक्सार ऐप की मदद से किया है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैंने दूसरा कोई कंप्यूटर से या फिर ऐप से एडिट किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ओनली पिक्सार ऐप की मदद से ये वाला फोटो एडिट किया है। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है या फिर आप नहीं जानते हो कि इस तरह का फोटो पिक्सार ऐप में कैसे एडिट करते हैं, तो आप ये वाला वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना, ठीक है। एक भी पार्ट को स्किप मत करना, वरना आप ये जो है आप ये वाला फोटो एडिटिंग सेम टू सेम नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लास्ट में लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है पिक्सार ऐप में, और आपका जो फोटो है उसे आपको ऑलरेडी कटआउट करके रख लेना है, ठीक है। अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो उसका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में है नीचे, आप जाके वहाँ पे देख लेना वीडियो को, ठीक है, कि परफेक्टली कैसे कटआउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो आपको जो मैजिक वाला ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन इससे पहले आपका जो नेटवर्क है वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो फ्लोरा का, इसको आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका जो फोटो है एक अलग तरह का कार्टून के तरह बन के आ जाएगा, ओके। इसके बाद आपको जो ये वाला आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह का कलर में आ जाएगा, और इसका जो फेड है आपको 10 रख लेना है। इसके बाद जो आपको एरेज वाला टूल है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और एरेज के ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो आपका टी शर्ट है वहाँ से ओनली आप एरेज कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट इतना रख लेता हूँ, और साइज को कुछ इतना रख के इस तरह से ओनली टी शर्ट के ऊपर से एरेज कर लेता हूँ। और ध्यान रखना कि आपका जो टी शर्ट है वो डार्क कलर में होना चाहिए, ठीक है। टी शर्ट शर्ट कुछ भी चलेगा, बस आपको डार्क कलर में रहना चाहिए। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ एरेज। तो मैंने जो है यहाँ पे इसे एरेज कर लिया है, और यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्रॉ टूल के ऊपर, और यहाँ पे जाता हूँ ड्रॉ टूल के ऊपर, और इसके बाद आपको जो है थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके अपना जो इमेज है इसे सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। तो उसे रिमूव कर देने के बाद आपको ये वाला बैकग्राउंड को पिक्सार ऐप में ऐड कर लेना है, और इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो के ऊपर, और हमने जो एडिट किया था इससे पहले इसे आपको सिंपल से यहाँ पे ऐड कर देना है, और इसको आपको जो है फोटो के बीच में इस तरह से एडजस्ट कर देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसे डन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से जाना है ऐड फोटो के ऊपर, और यहाँ से आपको एक मार्क्स का पीएनजी मिलेगा, सिंपल से इसे आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। सारा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। और इसे आपको यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, बिल्कुल आपके सेम फेस के तरह मैच हो जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको एरेज वाले टूल के ऊपर जाना है, और हार्डनेस जो है यहाँ पे 90 के आसपास बढ़ा लेना है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इसे आपको सिंपल से एरेज कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एरेज कर लेता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से जो है इसे डन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी इसे डन कर देता हूँ, तो ये देख सकते हो चुका है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको कलर वाला जो ऑप्शन है ये आपको मिल जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको कलराइज वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसका जो ह्यू है यहाँ पे इसको आपको 285 रखना है, ठीक है, ना ज़्यादा रखना है ना कम, एक दो पॉइंट कम हो सकता है, ठीक है। इतना आपको रख के यहाँ से इसे डन कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला कलर जो है आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर, और यहाँ पे जो टी शर्ट है आपका जो भी टी शर्ट के ऊपर आएगा इसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे जो है ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे रिमूव कर लेता हूँ इस तरह से। और आप यहाँ पे अगर आपका टी शर्ट भी बिल्कुल प्लेन हो गया तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने रिमूव कर लिया। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो के ऊपर, और ऐड फोटो के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको ये लाइक पीएनजी मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे टी शर्ट के जो कॉर्नर है वहाँ पे एडजस्ट कर देना है, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे आपको स्क्रीन करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ देख सकते हो। और यहाँ से जो है मैं इसे डन कर देता हूँ, और यह देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर, और कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और जो सी एन कलर है इसको आपको लेके जो राइट वाला डॉट है इसको आपको राइट की तरफ लेके जाके यहाँ पे आपको डन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे शेप वाला एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और सर्किल वाला शेप ले लेना है, और इसका जो साइज और ओपेसिटी है फुल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे फोटो के ऊपर के साइड इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लेना है, और इसे आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे मैं इसे आइस के ऊपर अप्लाई करूँगा, तो इसके लिए सिंपल से आपको इस तरह से जूम कर लेना है, और यहाँ पे जो ब्रश वाला ऑप्शन है इससे पहले आपको ऐसे एम्प्टी लेयर एक ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जो ब्रश वाला ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ से जो है इसका साइज ओपेसिटी देख सकते हो, और हार्डनेस भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। और साइज अपने फोटो के हिसाब से होगा, ठीक है। और यहाँ से साइज को यहाँ पे डन कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल से ऐसे ही रफली इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अच्छे से। तो और यहाँ पे भी इसे मैं अप्लाई कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसका ओपेसिटी जो है इसको आपको कम कर देना है, ताकि हम देख सके कि कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। और इसका जो एरेज वाला टूल है इसके आपको सिलेक्ट कर लेना है, और हार्डनेस ये सब सब देख अपने मर्जी से कर सकते हो, ठीक है ये वाला। और इसको आपको इस तरह से एरेस करते जाना है एक्स्ट्रा पार्ट को। तो मैं फटाफट से एरेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एरेस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ से जो इसका अमाउंट है इधर आपको 95, 94 कितने भी आप रख सकते हो, ठीक है। 100 मत रखना, ठीक है। और यहाँ से जो मैं इसे डन कर देता हूँ, और अभी ये कंप्लीट नहीं हो हुआ है क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। फोटो अभी वीडियो अभी बाकी है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से ड्रॉ टूल के ऊपर जाना है, और यहाँ पे जो है सेम वहाँ पर जो कलर होगा उसे आपको पहले जब एडजस्ट किए थे इस तरह से आपको ले लेना है, ठीक है। सेम कलर इस तरह से यहाँ पे डन कर देता हूँ। और इसके बाद जो शेप वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे जो थंडर वाला सिंबल है इसको आपको ले लेना है, और इसे जो यहाँ पे टी शर्ट के ऊपर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और ये देख सकते हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे चाहे तो ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी ये ठीक से शाइन नहीं मार रहा है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ हार्डनेस को कम कर देता हूँ, साइज को इतना, ओपेसिटी को भी कम कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह से कुछ, और इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हो शाइन अप्लाई मतलब हमें करना है, तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। जिससे आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का शाइन मार रहा है हमारे फोटो में, और एक नियॉन की तरह ग्लोइंग आ रहा है, ठीक है हमारे फोटो में। तो मैं यहाँ पे जो सर्किल है इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये ठीक से नहीं हो रहा है, बट आप आराम से कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो की वजह से जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ। इसका जो आपको क्लिक करके इसका ओपेसिटी आप कितना भी रख सकते हो, तो मैं इसका जो ओपेसिटी है 100 रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो शेप वाला ऑप्शन है इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको ले लेता हूँ, और इसका साइज को यहाँ पे 7 रख लेता हूँ, और इसको जो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी एक अप्लाई किया था, और यहाँ पे जो इस तरह का जो मार्क्स है यहाँ पे इधर मैं अप्लाई किया था, ठीक है। तो आप भी इस तरह से अगर आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हो, या आप कौन सा भी शेप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा फोटो देख सकते हो बिल्कुल कमाल का एडिट हो चुका है, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मैं इमेज को सेव कर लेता हूँ। सो आई होप आप सीख गए होंगे कि कैसे आप इस तरह का फोटो एडिट कर सकते हो। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। लाइक के बिना वीडियो कुछ काम का नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता विदाउट लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो पर, इस तरह के और वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है।